श्रीनगर एनआईटी में छात्रों पर पुलिसिया जुल्म के बाद हालात तनावपूर्ण है। पूरा कैंपस छावनी में तब्दील हो चुका है। दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर की पीडीपी बीजेपी सरकार विरोधियों के निशाने पर है। वहीं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने इस मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हंगामा, फिर जेएनयू को लेकर बवाल और अब श्रीनगर एनआईटी के छात्रों पर पुलिसिया जुल्म। ये कहानी है छात्रों की जो देश के भविष्य हैं, जिन पर पीएम मोदी दुनिया को युवा शक्ति की धौंस दिखाते हैं। लेकिन श्रीनगर एनआईटी में छात्रों के साथ जो हुआ वो बर्बरता से कम नहीं था। एनआईटी में तिरंगा फहराने वाले छात्रों को ऐसी सजा मिलेगी ये छात्रों ने कभी सोचा नहीं था। श्रीनगर एनआईटी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं छात्रों के साथ हुए जुल्म पर सियासत भी तेज हो गई है। जम्मू में सियासी दलों ने प्रदर्शन किया। इस घटना पर विरोधियों के निशाने पर जम्मू कश्मीर की पीडीपी बीजेपी की सरकार है। कश्मीर में एक इंसिडेंट होता है, कुछ लोग भारत के विरोध के नारे लगाते हैं, उस पर आप जो है जो भी आपको कार्रवाई करनी करिए, लेकिन फिर आप यूनिवर्सिटी में दखल देने लगते हैं। वहां जो हिंदुस्तान के अलग इलाके से बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी आप जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अजीब बात यह, एक तरफ कोई भारत मारा का नारा नहीं लगाता, आप उसको उसके खिलाफ एक्टिविटी करते हो, यहां जो उसके लिए नारा लगा रहा है उसके खिलाफ भी आप एक्टिविटी करने लगते हैं, तो समझ में नहीं आता है। बिल्कुल एक नासमझी सरकार है जिसकी नीतियां हर स्तर पर फेल हो रही हैं। महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री बनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनने के बाद ये बहुत बड़ी घटना है और ऐसा लगता है मिसहैंडलिंग हुई है, क्योंकि जो पुलिस का जिस प्रकार से जो रवैया रहा और जिस तरह से छात्रों पर बर्बरतापूर्वक उन पर लाठी बरसाई गई यूनिवर्सिटी के कैंपस में, मैं समझता हूं कि अच्छी बात नहीं है। सवालों के घेरे में आई श्रीनगर की पीडीपी बीजेपी की सरकार ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरी फोन से भी स्टूडेंट से भी बात हुई है। एक हमने सरकार ने कल सीएम साहिबा से बैठ के हमने ये फैसला किया था कि इंक्वायरी इंस्टीट्यूट होगी, जो भी इंसिडेंट हुआ है, पुलिस का जो लाठी चार्ज हुआ है जिसमें बच्चे जख्मी हुए हैं, बाकी जो इंसिडेंट है उसको लेते हुए हमने एक इंक्वायरी जो है इंस्टीट्यूट की है, जिसका ऑर्डर निकल चुका है और 15 दिन के इंक्वायरी जो है, जो एडिशनल मजिस्ट्रेट है कश्मीर के यहाँ के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के, वो इसको जो है इंक्वायरी को जो है देखेंगे और 15 दिन के अंदर इंक्वायरी का जो है रिपोर्ट देंगे। श्रीनगर एनआईटी पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। 13 अप्रैल को एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी श्रीनगर जाएंगी। स्मृति ईरानी ने साफ कर दिया कि छात्रों के हितों की रक्षा की जाएगी और किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से भी बात की गई है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द मामला शांत हो जाएगा। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने एनआईटी के छात्रों को राहत देने के लिए कहा कि जो छात्र अभी परीक्षा में नहीं बैठना चाहते वो बाद में परीक्षा दे सकते हैं। दरअसल एनआईटी में 11 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू होनी हैं, लेकिन वहां के हालात अभी ठीक नहीं है, इसलिए केंद्र ने छात्रों को ये विकल्प दिया है। दूसरी तरफ छात्र अपने ऊपर हुए जुल्मों से खासे नाराज हैं। छात्रों की मांग है कि एनआईटी के कुछ अधिकारियों का तबादला कर दिया जाए, देश विरोधी गतिविधियों पर रोक लगे, मेन गेट पर तिरंगा फहराने की इजाजत मिलनी चाहिए, कैंपस को जम्मू शिफ्ट किया जाए। दरअसल ये पूरा मामला 31 मार्च का है, जब T20 वर्ल्ड कप में भारत के हारते ही कैंपस के बाहर से पाकिस्तान के समर्थन और भारत के विरोध में नारेबाजी होने लगी। कुछ देर बाद ये शोर कैंपस के अंदर से आने लगा। भारत विरोधी नारों का बाहरी छात्रों ने विरोध किया तो उनके हॉस्टल पर पत्थरबाजी होने लगी। फोन करने के बावजूद न तो पुलिस आई और न ही एनआईटी प्रशासन ने सुध ली। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के छात्र
और राज्य के बाहर से आए छात्र कैंपस में भिड़ गए, जिसके बाद बाहरी छात्रों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। एनआईटी कैंपस में तनाव बरकरार है, कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन फिजा में डर का माहौल बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया।